ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଏନ୍ଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ବିଜୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଏନ୍ଡିଏର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଥିବା मुर्मू पूर्वरु बीजेपी बीजेडी मेंट सरकार रे जने मंत्री थिले। हम लोगों ने आज बैठक में हमारे अपने एनडीए के घटक के लोगों के साथ बातचीत करते हुए और लगभग 20 नामों पर हमारे यहाँ लंबे दौर की चर्चा हुई और चर्चा में सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए एक सर्वसम्मति इस बात पर बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। आज विरोधी यूपीए पक्षरु जसवंत सिन्हा को राष्ट्रपति प्रार्थी करा जायतला, एणु ଏଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜନ୍ମିତ ଭିଭି କିରି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ଜୁନ୍ 20, 1958 ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀ 2015-2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।